देखो ये कुछ थोड़े से बेसिक क्वेश्चन हम लोग फिर से करते हैं एक बार। देखो ध्यान दो, जैसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, इंटीग्रल 4e की पावर 3x + 1 और dx। अब देखो क्या होगा, दो टर्म सम में है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, है ना। दोनों टर्म प्लस में है, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx, और यहाँ पर देखो 1 का इंटीग्रेशन अलग। देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, यहाँ पर x की जगह पर 3x है, मतलब लीनियर फंक्शन है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन वही रहेगा और x का कोफिशियंट अपॉन में आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, है ना। बोलो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहता है, लेकिन यहाँ x की जगह पर 3x है तो इंटीग्रेशन वही रहेगा, बस x का कोफिशियंट अपॉन में आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कॉन्स्टेंट c अलग। ठीक है, देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन करना है। देखो काम करें, पहले इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखो a² + b² और -2ab, तो माइनस का सिर्फ 2 आएगा, ध्यान दो, है ना। a - b का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बोलो a² फिर प्लस का b² -2 दिस इंटू दिस, तो सिर्फ 2 आ जाएगा, √s कट जाएगा। अब देखो क्या हो गया, x का इंटीग्रेशन अलग और 1/x का इंटीग्रेशन अलग और देखो 2 का इंटीग्रेशन अलग। देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 × x + c, बताया मैंने आपको। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो कॉन्स्टेंट × x। और देखो यहाँ पर ये x की पावर 1, x की पावर n वाला फार्मूला, x की पावर n + 1/(n+1)। ठीक है, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे होगा, काफी इजी है। √x³ + 5x² - 4/x² dx। ठीक है, देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन में सेपरेट करने वाला मेथड बहुत काम आता है। मतलब देखो जैसे इसको अलग अलग करें, x³ / x² 5x² / x² 4x², है ना, इनको हम लोग यहाँ पर अलग अलग करेंगे। अब देखो क्या हो गया, यहाँ से बचेगा सिर्फ x, ये हो गया सिर्फ 5 और ये हो गया 4x² मतलब 4 × x की पावर - 2 और dx, ध्यान दो। ठीक है, अलग अलग किया, देखो ये हो जाएगा x dx और ये हो जाएगा 5 dx और देखो -4 x की पावर - 2 dx। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिर वही x की पावर n है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1/(n+1)। देखो 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट × x। यहाँ पर देखो x की पावर n है, फिर वही कॉन्सेप्ट, क्या x की पावर n+1/(n+1)+c, तो क्या हुआ, देखो x² / 2 प्लस का 5x और प्लस का 4 और देखो x की पावर - 1 का मतलब 4/x + c, है ना। प्लस c सब में जोड़ना है, हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब में ऐड करना है। ठीक है, देखो इसके बाद देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है, क्या होगा, देखो √x 3x² + 2x + 3 और dx। देखो इसको हम x की पावर ½ लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की पावर ½ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 x की पावर, आपस में ऐड होंगी तो 2+ ½, यानी x की पावर 5/2। फिर देखो 2, ये x की पावर 1 है, x की पावर ½, तो x की पावर 3/2 और देखो 3 और ये हो जाएगा x की पावर ½ और dx, है ना। क्योंकि देखो ये है ना √x, √x का मतलब x की पावर ½ जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2+ ½, तो 5/2।
फिर एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर थ्री बाई टू और थ्री इंटू एक्स की पावर हाफ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जैसे इसमें एक्स की पावर एन का लग जाएगा कॉन्सेप्ट, इसमें भी एक्स की पावर एन लग जाएगा, इसमें भी एक्स की पावर एन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना। तो सबके इंटीग्रेशन देखो यहाँ से ये अलग अलग हम कर देंगे, ठीक है। काफ़ी इसी क्वेश्चन लिखो बच्चों पहले, फिर बाकी क्वेश्चन भी देखो करते हैं हम लोग। देखो जरा इसको पहले, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए, है ना, क्योंकि बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी हमें पहले आने चाहिए, तभी हम आगे और अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।